गुड मॉर्निंग, हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन है, देखो, श्री हेमंत ने एक मकान 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया और 31 मई 2018 को बनकर तैयार हुआ। रेडी कब हुआ है? 31 मई 2018। और अपना ईयर भी 18-19 ही है, पता है आपको, तो मतलब 31 मई को रेडी हुआ है। तो अप्रैल और मई 2 महीने तो मतलब ही नहीं है, 1 जून से रहने के काम आएगा या किराए पर देने के काम आएगा। तो सारी कैलकुलेशन 10 महीनों की ही करनी है अपने, ठीक है ना, चाहे म्यूनसिपल वैल्यूएशन वगैरह लेना हो, चाहे कुछ भी करना हो, 10 महीनों की कैलकुलेशन ही लेनी पड़ेगी। इस मकान में रहने की 3 इकाइयाँ हैं, 50% हिस्सा एक है, 25% हिस्सा एक है, 25% हिस्सा एक है। इस 50% हिस्सा में तो खुद रहता है वो, तो खुद के रहने का एक मकान करमुक्त होता ही है, बताया आपको, तो ये पूरा करमुक्त हो जाएगा। और ये 25% वाला हिस्सा एक किराए पे दिया हुआ है और दूसरा भी 25% वाला किराए पे दिया हुआ है। हालांकि दूसरा 25% वाला जो है ये वापस खाली भी हो गया 31 दिसंबर के बाद, उसके बाद ये खुद रहने लग गया इसमें, तो उससे अब मतलब नहीं है क्योंकि खुद का एक हिस्सा हमने करमुक्त कर दिया है। तो अब इसमें यदि खुद रहेगा तो डीम्ड लेट आउट की तरह, किराए की तरह ही मानना पड़ेगा आपको, बताए। तो ये सब चीज़ें जो है वो दे रखी है। इसके अलावा नगर पालिका मूल्य 48,000 है, कर जो है वो 10% है, और कुछ खर्चे जो लगे हैं वो बताए हैं अपने को। ऋण का ब्याज भी कितना हुआ है वो भी बता दिया है। तो आपको ये कह रहा है, ऋण लिया हुआ है इसने, लोन जो लिया है उसका ब्याज की छूट भी देनी है। तो हेमंत की करी हो क्या है, मकान संपत्ति से निकाल। तो ये और ये सेकंड और थर्ड पोर्शन का निकालना है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2019। दो इकाइयां सेकेंड और थर्ड इकाइयों के बारे में निकालना है अपने को। सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, स्टेप वन, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर एंड व्हिचएवर इज मोर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर एंड जो भी ज्यादा हो लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से कम होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में तो केवल म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ही दिया है अपने को, ठीक है ना, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ही लेना है। अब म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ये जो बता रहा है ये 40,000 रुपये बता रहा है अपने को, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 40,000 बता रहा है। तो 40,000 का 50% वाला हिस्सा तो हट गया, 25% वाले दो हिस्से हैं, तो 40,000 का 25% 10,000 रुपये म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ले लेंगे इसका, ठीक है ना। तो उसके बाद में किराए की बात करते हैं स्टेप सेकंड में। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल 10 महीनों का ही लेना है आपको, पता है, क्योंकि 10 महीने मकान रहा है इसके पास। तो कितने किराए पे दिया हुआ है इसने मकान, पहला मकान तो 1250 और दूसरा भी 1250 रुपये किराए पे दिया हुआ है। तो 1250 रुपये प्रतिमा किराए पे पहला मकान तो 1 अगस्त से दे दिया इसे, 1 अगस्त से 1250 रुपये प्रतिमा, 1 अगस्त से दो भले, लेकिन खाली रहने की अवधि का किराया वो अगर सेट करना पड़ेगा अपने को। तो अपने तो पूरे 10 महीने का ले लेते हैं 1250। और दूसरा मकान में 1
जनवरी से खुद रहने लग गया, 31 दिसंबर तक ही किराए पे है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने का किराया ही लग रहा है, बाकी पोर्शन में तो खुद रहने लग गया। तो जितने अवधि में खुद रहा है उतने महीने का तो कैलकुलेशन करना ही। अब आप ये सोच सकते हो कि भाई खुद रहने लग गया तो कैलकुलेशन क्यों नहीं करनी, खुद का एक मकान कर मुक्त कर दिया है। देखो मकान तो ये पूरा एक ही है ना, मकान एक ही है सारा का सारा, इसे एक मकान के 3 हिस्से किए, तो बाकी हिस्से में यदि खुद रहने भी लग गया है तो खुद का ही माना जाएगा वो। तो आप तो 7 महीने का ही लोगे, तो 1250 रुपये महीने से 7 महीने का किराया, तो ये हो जाएगा 84 और 3 87 150 रुपये, 8750। ठीक है, तो ये 7 महीने का किराया हो गया। अब स्टेप 3, स्टेप 1 और 2 विच एवर इज मोर, स्टेप 1 और 2 दोनों में से जो ज्यादा हो, ये 12500 ये 10000, जो ज्यादा है वो अपने ले लिया। ठीक है, अब खाली रहने की अवधि का किराया घटाना ही है, आपको पता है। लेस करेंगे रेंट ऑफ, अब कौन सा मकान कितने महीने खाली रहा, तो ये वाला जो सेकंड यूनिट है ये आप देखो 1 अगस्त को किराए पे दिए, मतलब जून और जुलाई 2 महीने खाली रहा है, तो 1250 × 2 2500 रुपये इसकी खाली रहने की अवधि का किराया है। और ये वाला जो है ये किराए पे दिया था 1 अक्टूबर को, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने खाली था, तो 1250 × 4 5 ये घटा देंगे हम। स्टेप 4 है अपना ये, तो ये आएगा 10000 और 5000। इसके सामने लिख देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, इसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस जो है वो घटा देंगे, लेस म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस पूरे मकान के 4000 रुपये चुकाएंगे सर, तो 4000 में 50% तो इसका खुद का हो गया 2000, बाकी 25-25% 1000-1000 इन दोनों का है, तो 1000-1000 घटा देंगे, तो ये आ जाएगी अपनी नेट एनुअल वैल्यू 9000 और 4000। उसके बाद में आप लेस करोगे एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 9000 का 30% 2700 और 4000 का 30% 1200, और फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो ब्याज चुकाया है। लोन देखो इसने लिया था पूरे मकान पे 1 लाख, और 1 लाख पे ब्याज की दर 10% है। देखो लोन लिया कब पहले ये देखते हैं, 1 अक्टूबर 2017 को, 1/10/17 को, तो 18-19 का जो ईयर है अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल 18 से वो तो करंट ईयर में काउंट ही हो जाएगा, तो अप्रैल 18 से पहले का जो पीरियड है वो परी कंस्ट्रक्शन में आएगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने तो परी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 1 लाख × 10% × 6 महीने का, और इसके भी 5 टुकड़े करते हैं पता है आपको, तो 1 लाख का 10% 10000, 6 महीनों का 5000, और 5 टुकड़े करेंगे तो 1000 रुपये, और करंट ईयर का इंटरेस्ट पूरा 1 लाख का 10% लगना ही है, तो 10000। तो इस पूरे मकान पे ब्याज की छूट जो मिलनी चाहिए वो 11000 रुपये की मिलनी चाहिए,
लेकिन 50% हिस्सा तो अलग हो जाएगा, आपको तो 25-25% का लेना है ना, तो 11,000 का 25% होता है 2750, 2750 इसका और 2750, अब ये इनकम आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी तो आ जाएगी 3,350 रुपये और इसकी आ जाएगी 50 रुपये। तो ये दोनों मकानों की जो दो पोर्शन है इस मकान के, दोनों का वैल्यूएशन आ गया, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो। और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की निकाले जो 50% है, तो आप यहाँ लिख दोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसकी नेट एनुअल वैल्यू नील होती है और इसमें से इंटरेस्ट की छूट देनी है एक आधे हिस्से की 5,500 रुपये की। कुल तो मिला के सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो मान रहे हैं हम, उसमें 5,500 रुपये माइनस में आ रहा है, उसमें 5,500 रुपये माइनस में आ रहा है। तो तीनों मकानों का वैल्यूएशन आ गया। अब फाइनल तीनों मकानों को जोड़ के फाइनल वैल्यू जो निकालेंगे 3,350 प्लस 50 माइनस 5,500 हो तो 2,100 रुपये, सॉरी 36, ये 3,350, 1,900 रुपये माइनस में आई है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू। इस हाउस प्रॉपर्टी का जो मूल्यांकन आया है वो माइनस 1,900 रुपये आया है, क्योंकि ब्याज की चोट के कारण सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है वो माइनस में चला गया था, तो वो जो उसमें हानि हुई है वो इस प्रॉफिट में से पूरी की जा सकती है। तो फाइनली तीनों का मिला के जो आया है वो 1,900 रुपये माइनस में आया है। अब ये 1,900 को घाटा ये किसी और हेड से पूरा करेगा, सैलरी में से या और किसी में से पूरा करेगा ये, है ना, एक हेड का घाटा दूसरे हेड से पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोविजन होते, वो तो खैर चीज़ें बाद में आएगी आपके सामने, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीज़ें आप सीख लोगे, उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू।